हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्वेरी सॉल्वर एंड आई एम योर एजुकेटर सुरेंद्र सिंह। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं रूट वर्ड की। रूट वर्ड होता क्या है? रूट वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है, ये लैटिन वर्ड होते हैं और इनके थ्रू हम किसी भी वोकैब को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट रूट है साइड। साइड मीन्स होता है किलिंग समवन, यानी कि कोई किसी की जब हत्या करता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ये साइड वर्ड। तो इससे जितने भी मीनिंग्स बनते हैं या जितने भी आपकी वोकैब बनती है उसको हम बड़े आसानी से याद करेंगे। देखिए कितने आसानी से याद होता है। फर्स्ट वर्ड इज पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड मीन्स होता है किलिंग वंस फादर, एज समवन किलिंग इज हर फादर, यानी कोई भी इंसान अगर अपने बाप की हत्या करता है खुद के की तो उसके लिए यूज किया जाता है ये पैट्रीसाइड, यानी पितृ हत्यारा। मैं इनकी हिंदी भी लिख देता हूँ नीचे, पितृ हत्यारा। नेक्स्ट वर्ड इज मैट्रीसाइड, किलिंग वंस मदर। अपनी माँ का जो हत्यारा होता है, अपनी माँ को मार देते हैं कुछ लोग, तो उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है मैट्रीसाइड, यानी कि मातृ हत्यारा। नेक्स्ट वर्ड इज फैट्रीसाइड, किलिंग वंस ब्रदर। अपने भाई की जो हत्या करता है उसके लिए यूज किया जाता है फैट्रीसाइड, यानी मातृ हत्यारा। नेक्स्ट वर्ड इज सोरोसाइड, यानी किलिंग वंस सिस्टर। अपनी खुद की बहन की हत्या करने वाले को बोलते हैं हम सोरोसाइड, यानी कि वैन हत्यारा, यानी बहन की जो हत्या करता है उसके लिए यूज किया जाता है ये सोरोसाइड। नेक्स्ट वर्ड इज रक्सिसाइड, किलिंग वंस वाइफ, समवन किलिंग हर वाइफ। यू कैन यूज दिस वर्ड, यानी जो अपनी खुद की बीबी की जो हत्या कर देता है, अपनी वाइफ की जो हत्या करता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ये। एंड नेक्स्ट वर्ड इज बैरीसाइड, या कहें हम मैट्रीसाइड, किलिंग वंस हस्बैंड। कोई भी लेडीज अपने हस्बैंड की हत्या कर देती है, समवन किलिंग हर हस्बैंड, तो ये वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाता है जो अपने पति की हत्या करती है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लीसाइड या पॉलीसाइड, किलिंग वंस सन और डॉटर, यानी कोई भी ही और सी जब अपने किसी बेटे या बेटी की हत्या कर देती है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ये पैलीसाइड या प्रोलीसाइड। नेक्स्ट वर्ड इज पेरीसाइड, किलिंग वंस क्लोज रिलेटिव, डेट समवन किलिंग हर रिलेटिव क्लोज एज अ फ्रेंड, यानी कोई भी अपने जो नज़दीकी आपका जो रिश्तेदार होता है, जो उसकी जो हत्या करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है आपका पेरीसाइड। नेक्स्ट वर्ड इज होमिसाइड, किलिंग ए ह्यूमन बींग, यानी किसी भी मानव की हत्या, यानी मानव हत्यारा, किसी भी समवन किलिंग एज ए एनीबडी, तो उसके लिए यूज किया जाता है ये होमिसाइड। नेक्स्ट वर्ड इज इन्फेंटिसाइड, किलिंग एन स्पाइस। नेक्स्ट वर्ड इज इन्फेंटिसाइड, किलिंग एन इन्फेंट। जो इन्फेंट यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है जो शिशु होता है ना, जो शिशु की जो हत्या करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जैसे कि जन्म के बाद जो बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद जो उसकी जो हत्या करते हैं उनको बोला जाता है इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट वर्ड इज फोर्टिसाइड, किलिंग ए फोर्ट्स, यानी कि जो माँ के गर्भ में जो बच्चे की हत्या करवा देते हैं, यानी कि भ्रूण हत्यारा, जो जन्म ना लेने से पहले बच्चे को जब घर में मार देते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है ये फोर्टिसाइड। नेक्स्ट वर्ड इज रेजिसाइड। रेजी वर्ड ये यूज़ किया जाता है बेटा, ये यूज़ किया जाता है आपके किसी भी किंग के लिए यूज़ किया जाता है, यानी किलिंग हत्यारा, जो कोई व्यक्ति अपने राजा की जो हत्या करता है उसके लिए यूज़ किया जाता है रेजिसाइड। एंड नेक्स्ट वर्ड इज हैरिसाइड, किलिंग ए मास्टर और लॉर्ड, समवन किलिंग हर मास्टर, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने मालिक की हत्या कर देता है तो उसके लिए यूज किया जाता है ये हैरी साइड।
सो गाइस प्लीज़ मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसी लगती है, और अगर आपको अच्छी लगती है तो ऐसे हम बहुत सारी और वीडियो लाएंगे। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ एम्बिसाइड। एम्बिसाइड यूज़ किया था बेटा किलिंग ए फ्रेंड। किलिंग ए फ्रेंड यानी कोई भी अपने किसी मित्र की जो हत्या करता है, यानी मित्र हत्यारा, मित्र हत्यारा, मित्र हत्यारा। नेक्स्ट वर्ड इज जेनोसाइड, किलिंग पीपल ऑफ पार्टिकुलर रेस। बेटा जो जेनो वर्ड यूज़ किया था, ये यूज़ किया था किसी भी राशि, किसी भी रेस, यानी एक विशेष प्रकार की जाति के लिए यूज़ किया जाता है जेनो। और साइड आपको पता है, क्योंकि साइड हम रूट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसका मीन्स होता है किलिंग, यानी किसी को मारने वाला। जेनोसाइड मतलब किसी भी मानव जाति की हत्या करने वाले को बोलते हैं हम जेनोसाइड। नेक्स्ट वर्ड इज बायोसाइड, द डेस्ट्रोनेंस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का हत्यारा। यानी कि कोई व्यक्ति अगर मान लो अपना जीवन ख़त्म कर देता है, उसे बायोसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसाइड, किलिंग ऑफ ए गॉड। बेटा किलिंग ऑफ गॉड का मीन्स हो गया, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि भगवान से, मान लीजिए जिसके लिए भगवान है नहीं एक तरीके से, जिसे हम एथिस्ट बोलते हैं, ठीक है, तो जो भगवान की जैसे मूर्तियाँ वगैरह तोड़ते फिरते हैं, ऐसे लोगों के लिए यूज़ किया था ये डेसिसाइड। नेक्स्ट वर्ड इज गैरमिसाइड, ए सब्सटेंस फॉर डेस्ट्रॉइंग गार्म्स। गार्म्स होते हैं बेटा कीटाणु, या हम बोले जीवाणु जो होते हैं, ये यूज़ किया जाता है जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए। एंड नेक्स्ट वर्ड इज नेप्टोसाइड, किलिंग वंस नेप्यू। नेप्यू वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर, आपका जो भतीजे वगैरह होते हैं उनके लिए यूज़ किया था नेप्यू, किलिंग वंस, यानी कोई भी व्यक्ति अपने भतीजे की हत्या कर देता है तो उसके लिए यूज़ किया था ये नेप्यू, यानी नेप्टी नेप्टोसाइड। नेक्स्ट वर्ड इज सुसाइड, किलिंग ऑफ सेल्फ, यानी कि अपना कोई व्यक्ति अगर खुद को अपने आप मार लेता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ये सुसाइड वर्ड। यानी कि खुद को अगर किसी व्यक्ति ने मार लिया तो उसके लिए बोल सकते हैं ना कि भाई उसने सुसाइड कर लिया, तो ये वर्ड यूज़ किया जाता है किलिंग ऑफ सेल्फ, यानी खुद की हत्या करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा टायरनीसाइड, किलिंग ऑफ ट्रायंट। ट्रायंट वर्ड यूज़ किया था बेटा ये तानाशाह के लिए, जैसे कि हम एक तरीके से बोलें कि जैसे कि हिटलर था आपका, तानाशाह था वो, और उसकी जैसे जो हत्या कर देगा तानाशाह वगैरह की, यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतलब ऐसा व्यक्ति है जो अपनी, जो भी अपनी प्रजा है उस पर सही तरह से राज नहीं करता है, उसका पालन पोषण नहीं करता, एक तरीके से तानाशाही करता है, अपने मन में आता है ऐसा शासन करने वाले की कोई हत्या करता है तो उसके लिए यूज़ किया था ये। तो गाइज आज की वीडियो में बस हम रखेंगे इतना ही, और अगर आपको अगर हमारी वीडियो अगर पसंद आती तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने वीडियो के लिंक दे दिया है व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।